लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव परिवार को बड़ी राहत मिली है। मामले में अदालत ने राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत 15 आरोपियों को 50,000 की निजी फाइन पर जमानत दी है। मामले में सीबीआई और ईडी की जांच फिलहाल जारी है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। जानिए क्या था मामला। 22 सितंबर को ही दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के अलावा 14 आरोपियों को समन जारी किया था। लालू परिवार पर आरोप है कि साल 2004-2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए लोगों से रिश्वत के तौर पर अपने परिवार के नाम जमीन के प्लॉटों की रजिस्ट्री कराई थी, जिसे लेकर आज लालू परिवार कोर्ट में पेश हुआ। लालू यादव के साथ डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी कोर्ट पहुंचे। राज्यसभा सांसद मनोज झा भी उनके साथ मौजूद थे। अदालत में पेशी के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। उधर सुनवाई से पहले लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान अभी भी लालू प्रसाद यादव का दावा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं है। बता दें कि सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया था।